बिहान की बेला की राम राम। तो आज की जो सुबह है देखो कितनी प्यारी है। बारिश हो रही है, बादल किया हुआ है, धूप नहीं निकली है और ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड की जो चरम सीमा है वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें कि स्वेटर पहने हुए हैं, ये देखो पूरे एकदम से टाइट है स्वेटर वगैरह। और इंद्रदेव जी भी आज बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, बारिश वगैरह करवा रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हम हमारे काम पे नहीं जा पा रहे हैं। इस बारिश ने हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, जिसकी वजह से हम अपने काम पे फिलहाल नहीं जा पा रहे हैं। इस गिरते हुए पानी में नहाना नहीं सावेरे, मन में ठंडी सी लग जाएगी, इससे बारिश का कहना भी क्या, बिन बरसात पानी गिरे। ऐसे गिर रहा है काफी तेज पानी। इस पानी को करते हुए प्रणाम, हम निकल चुके अपनी काम की ओर। काम करने के तत्पश्चात हम अपने अल्पाहार के लिए निकल चुके हैं। भाई ये कोई मौसम है, देखो भाई मौसम है कुछ ठंडी का मौसम है, बारिश का मौसम है, कोई मौसम है? कौन सुनेगा भाई हमारी समस्या, कौन सुनेगा बताओ? कहाँ गए नेता, मीडिया वाले कहाँ गए भाई? ये अन्याय हमारे साथ जो हो रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? अब कोई नेता नहीं आएगा, कोई मीडिया वाला नहीं आएगा भाई, क्योंकि हम आम पब्लिक है भाई। कौन सुनेगा हमारी समस्या ये बताओ आप? ठंडी के मौसम में हम ठंडी के कपड़े पहने या बरसात के कपड़े पहने? देखो अभी बारिश हो रही थी, देखो अभी हम पन्नी पहने थे, पन्नी, अब ठंडी आ गई है, देखो ठंडी का। तब फिर से अभी हम अपने एक फ्रेंड से मिलने गए थे, जो मिलकर आ चुके हैं और अभी बैठे हुए हैं। देखिए कितना साफ है हॉस्पिटल, और इधर इसमें भाई हॉस्पिटल में काफी साफ सफाई रहती है, देखिए एकदम चमक रहा है। तो साथियों आज का काम खत्म हो चुका है और अब हम निकल चुके हैं क्लास की ओर। सुनसान राहों में कहीं भूत मिल ना जाए। भाई निकल दिए हैं रात के अंधेरे पे घर, डर तो बहुत लग रही है, क्या बताएं भाई। अंधेरे को प्रणाम करते हुए आगे की ओर निकल रहे हैं। अंधेरा भी हमारा साथी बन चुका है, अंधेरे के साथ साथ घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। देखो भाई रात के 11 बज चुके हैं और कोहरे का साया कितना भयानक है, ये देखिए इस कोहरे के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।